Assalamu alaikum once again and welcome back to Zor Ka Jor T20 World Cup 2024 special. और जब हम पहले आए थे एक बजे वाले शो में, जब हम आए थे उस वक्त काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुई जो कि इनॉग्रल मैच था इस T20 World Cup 2024 का, जहां USA और कैनेडा एक दूसरे के मध्य मुकाबल थे. हाई स्कोरिंग मैचेस से हुई है शुरुआत, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला, अच्छी परफॉर्मेंसेज देखने को मिली, दो के बैटिंग में मिली, बॉलिंग में नहीं मिली, बट येस शुरुआत हो चुकी है. आज एक और मुकाबला होगा, उसके हवाले से भी बात करेंगे, जहां वेस्ट इंडीज वुड टेक ओवर PNG. सो यस, देखेंगे कि किस तरह की वो परफॉर्मेंसेज होती है, बिकॉज वेस्ट इंडीज इज अ वेरी सीजन टीम एंड PNG इज जस्ट टेकिंग ऑफ. सो और बहुत सारी डिस्कशन होगी पाकिस्तान के हवाले से भी, जो इंडिया और बांग्लादेश का वार्म अप हुआ उसके हवाले से भी. मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान. और बिल्कुल, जो आपने मैच वेस्ट इंडीज का जिक्र किया है, जब हम पहले एक बजे वाले शो में थे तो जिक्र हुआ अमरीका की बैटिंग का और कैनेडा की बैटिंग का, और उसमें वसीम साहब ने ये बयान किया जैसे सुहेल ने भी, कि ये जो शॉट्स जो रेंज थी जोन थे वो ज़्यादा थे, और अगर कनाडा और अमेरिका के खिलाड़ी इन दो तीन चार बरसों में अपनी स्कोरिंग जोन को बढ़ा सकते हैं तो पाकिस्तान के रास्ते में क्या रुकावट है? पाकिस्तान के प्लेयर्स आज भी इतने ज़्यादा प्रेडिक्टेबल अपनी बैटिंग को लेकर क्यों हैं कि न्यूजीलैंड भी आती है तो ब्रेसवेल भी इनको अपनी बॉडी से दूर दूर खिलाने की कोशिश करता है, आदिल आता है तो वो तो खैर थोड़े तजर्बाकार भी होंगे, लेकिन पाकिस्तान के रास्ते में क्या रुकावट है ये भी ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे. और जो इंडिया और बांग्लादेश का प्रैक्टिस मैच वार्म अप मैच हुआ है उस पर भी कुछ गुफ्तगू बाकी है, क्योंकि इंडिया चार स्पिनर्स के साथ इस वर्ल्ड कप को खेलने के लिए आया है, हम पांच फास्ट बॉलर्स के साथ ये उसी वर्ल्ड कप को खेलने के लिए गए हैं. बिल्कुल जी, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज, अलग अलग स्ट्रेंथ, अलग अलग वीकनेसेस, हर टीम की अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस है. इस हवाले से डिस्कशन होगी. जोर का जोर की फैमिली मेंबर्स को खुश आमदेद कहते हैं एक दफ़ा फिर से. सुहेल तनवीर और मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू द शो. थैंक यू सुहेल. सो यस, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, फिर से उस वार्म अप मैच की तरफ जाते हैं. और जो एक वार्म अप मैच का टोटल जो आपने अवेल करना होता है, कल इंडिया ने उस तरह उस वार्म अप मैच को अवेल किया. विराट कोहली क्योंकि वो ट्रैवल कर आए थे तो वो नहीं खेले मैच, उनको कोई मैच प्रैक्टिस या वार्म अप नहीं करवाया गया. संजू सैमसन और ऋषभ पंत के बीच में एक टाई था कि दोनों में से किसको खिलाना चाहिए, कल वो एक क्वेश्चन मार्क सॉल्व हो गया होगा. शिवम दुबे को खिलाना था या नहीं खिलाना था वो एक क्वेश्चन मार्क. सो क्वेश्चन मार्क्स के जवाब मिल रहे हैं इंडिया को और मिले इस वार्म अप में. पाकिस्तान को 12 T20s थे वर्ल्ड कप से पहले, बट वही सवाल या निशान बढ़ते चले गए, जवाब नहीं मिले हमको. देखिए सवेरा, इंडिया की पहले मैं बात करूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतने मेजर क्वेश्चन मार्क्स उनको होंगे, वो एक सेटल माइंड सेट के साथ आए होंगे. यस, आप चाहते हैं कि अपने जो आपके मेन 11 से 12 प्लेइंग 11 के मेंबर जो आपके माइंड में होते हैं, यू वांट देम टू गेट सेटल, कंडीशन को देख लें, वहाँ पे प्रैक्टिस कर लें, तो आइडिया उनका था. बट मुझे इंडिया की अगर मैं फॉर्मेशन देखूं, वो इतनी एक कंप्लीट टीम है राइट नाउ जो उनके पास रिसोर्सेज हैं कि उनको आप किसी भी कंडीशन में डालें, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ या चाहे आप इंग्लैंड चले जाएँ या आप बिल्कुल जैसे अभी ये कैरेबियन की पिचेज हैं या इंडिया में वो खेल रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज इतने तगड़े हैं कि वो हर कंडीशन में कॉप अप कर सकते हैं. उनकी बैटिंग जो है वो स्पिनर्स को भी अच्छा खेलती है, फास्ट बॉलर्स को भी दे कैन मैनेज. उनकी फास्ट बॉलिंग तगड़ी है, बुमराह, शामी, सिराज, मतलब यू नेम इट. एंड देन इफ़ यू गो टू स्पिनर्स तो उनके पास कुलदीप है, जडेजा है, मतलब उनके पास हर एरिया कवर्ड है जिसको आप बेसिस फिर भी इतने अच्छे से ICC इवेंट नहीं जीते कोई भी. देखिए ये एक डिफरेंट डिबेट है कि वो जीत क्यों नहीं रहे, वो एक डिफरेंट डिबेट है. रिसोर्सेज उनके पास पूरे हैं, अब वो क्यों नहीं जीत पा रहे, रिलैक्स हो जाते हैं, वो IPL के जोन में रहते हैं, देर आर मैनी क्वेश्चन जिनका आंसर अब उनको देना है कि वाई दे नॉट विनिंग. ऑब्वियसली इतनी अच्छी टीम के साथ, अभी वर्ल्ड कप लास्ट भी हो रहा था तो मैंने उस टाइम भी कहा था कि इट इज़ इंडियाज अनफॉर्चुनेट कि वो इतनी तगड़ी टीम होने के बावजूद. देखिए हर टीम पे एक एरा आता है, वेस्ट इंडीज का एरा था 90s में, पाकिस्तान टीम एक अनबीटेबल टीम थी, ऑस्ट्रेलिया आ गया बीच में, तो हर टीम पे एक टाइम आता है. फिर 2007-08 के बाद इंडियन क्रिकेट ने ग्रो करना शुरू किया एंड अब उनके पास जो जैसी टीम है, तो इस टीम के होते हुए अब ऑस्ट्रेलिया पे एरा आया ना, तो ऑस्ट्रेलिया ने 3 लगातार वर्ल्ड कप जीते, यू नो दे मेड इट काउंट. तो इंडिया मेरे ख्याल में अनलकी है, दे शुड कंसिडर देमसेल्फ अनलकी कि वो इतनी तगड़ी टीम होने के बावजूद भी कोई मेजर इवेंट्स नहीं जीत पा रहे. IPL होना, ज़्यादा पैसा होना, वो टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन
आईसीसी के इवेंट्स जीतना एक टोटली डिफरेंट चीज है, तो वो तो एक डिबेट बिल्कुल मौजूद है। बट अगर मैं एज ए क्रिकेटर, एज ए एनालिस्ट बैठा हूँ और यहाँ बात करूँ, तो मुझे कोई ग्रे एरिया नजर नहीं आ रहा इंडियन क्रिकेट टीम में। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ऑब्वियसली दे आर वेरी सेटल्ड, उन्होंने अपना होमवर्क किया होगा, वेरी अनलाइक अस। यस, राइट नाउ जहाँ पे हम बैठे हैं वो डिबेट फिर अपनी टीम की तरफ आ जाती है, ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी हम रिलेट कर लेते हैं चीजों को वहीं पे। हाँ. तो वेरी अनलाइक अस के जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, हमें यही नहीं पता कि हमारे ओपनर्स कौन हैं। हाँ. वापस हम रिजवान और बाबर की, विच इज राइट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा डिसीजन है, हम उधर जा रहे हैं। फास्ट बॉलिंग हमारी कौन खेलेगा, तीसरा पेसर कौन होगा, आई थिंक हारिस एंड शाहीन, मुझे लगता है राइट नाउ हारिस ने आखिरी मैच में अच्छी की, शाहीन बिन बॉलिंग वेल, तीसरा पेसर कौन होगा। आमिर ने अभी तक उस तरीके से हमें इम्प्रेस नहीं किया है जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी, जिस वजह से उनको वापस लेके आया गया है। आप स्पिनिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो इमाद बिन डूइंग वेल, बट बाकी क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे स्पिनर्स का बड़ा रोल होना है। आई थिंक वी नीड टू बी स्मार्ट, वी नीड टू यूटिलाइज जो हमारे पार्ट टाइमर्स हैं, इफ्तिखार हो गए, और अगर साइम खेलते हैं तो साइम को यूज करना, ये सारे क्वेश्चन मार्क हमारे पास हैं। इंडिया ने ये एक प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटी थी, कंडीशन को उन्होंने देखना था, वो उन्होंने देख लिया, और मैं जो मैच में देखा है उनके न्यू बॉल से बॉल स्विंग भी हो रहा था अर्शदीप का, ही वाज अनप्लेएबल, अर्शदीप वाज अमेजिंग लास्ट नाइट, और बुमराह इज बीन ऑलवेज फैंटास्टिक, बुमराह तो एनी कंडीशन के से उन्होंने, मैं रोहित को जाके देखा बात करते हुए, जिस तरीके से वो अर्शदीप और सिराज वगैरह से बात कर रहा था इन टू द पिच, ये पिच ऐसी थी जहाँ पे इन टू द पिच मार के करने वाली, वो जो हम टेनिस बॉल बाउंस की बात कर रहे थे ना, वो पटखना जिसको कहते हैं, तो वो कम्युनिकेशन बड़ी मुझे नजर आई कि उसने असेस किया, एंड ही वाज गोइंग टू टुवर्ड्स हिज बॉलर्स टेलिंग देम व्हाट नीड टू बी डन। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, आई थिंक दे आर फुली प्रिपेयर्ड। ऑन द अदर हैंड अगर हम बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश वॉज नो वेयर किसी भी डिपार्टमेंट में ना, बॉलिंग में। अब ये पिच ऐसा था जिस तरह दूसरी इनिंग में उनका स्विंग हो रहा था, उनके फास्ट बॉलर्स को उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया, दे स्टार्टेड विद ऑफ स्पिनर आई गेस। तो बांग्लादेश लुकिंग लाइक अनप्रिपेयर्ड, मुझे नहीं लग रहा कि वो को मेंटली भी प्रिपेयर हैं, और उनके भी इश्यूज हमारी तरह काफी चलते रहते हैं। बिल्कुल ठीक, एंड शकीबुल हसन वाज अ डिसअपॉइंटमेंट यस्टरडे। वसीम साहब, जैसे ये इंडिया की बात हुई, पाकिस्तान के साथ उसका हल्का सा मवाजना है कि वो आईसीसी के नॉकआउट स्टेजेस पर गए इंडिया, लेकिन जीत नहीं पाए। पाकिस्तान भी आईसीसी के नॉकआउट स्टेज पर गया, 2021 का वर्ल्ड टी20 का जो था पाकिस्तान सेमीफाइनल खेला, 22 का पाकिस्तान फाइनल खेला। ये एक क्रेडिट कप्तान ने अभी कल भी जो रिलीज़ हो रही हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े और पॉडकास्ट में वो कह रहे हैं सेमीफाइनल भी खेला, फाइनल भी खेला, अब जीतने की बात है। तो फाइनल सेमीफाइनल तो हम भी खेल रहे हैं, हमारी फिर क्या वजह है कि उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी क्यों नहीं है, उतनी ज़्यादा हम वो क्यों नज़र नहीं आते हैं अपनी, कि हम शोर क्यों नहीं होते हैं चीज़ों के बारे में, कि अब हम ही है, कन्फ्यूजन ही है, क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए इसमें भी रॉकेट साइंस नहीं है, और आपको यहाँ बैठे पता है या हम यहाँ बैठे कर रहे हैं बात, लेकिन जो डिसीजन मेकर हैं ये उनको सोचने की चीज़ है कि क्या हमें ओवरऑलिंग करने की ज़रूरत थी कोई अभी, है ना। अभी आपने सवाल किया जी कि सवालात के जवाब, अब वर्ल्ड कप के जो वार्म अप मैचेस होते हैं ये जवाब ढूंढने के लिए नहीं होते, ये प्रैक्टिस के लिए होते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना कॉम्बिनेशन बनाने के लिए होते हैं कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है, प्लेइंग 11 वो घर से बना के लाए हुए हैं, इक्का दुक्का चेंज होती है जी कंडीशन के लिहाज से, एका इधर उधर हो जाता है, बाकी आपकी सेटल चीज़ें होती हैं। हम बस तब्दीली के चक्कर में कि हमने कुछ ना कुछ चेंज करना है, शायद इसी वजह से बनाई हुई है और अब्रार को प्लेइंग 11 में नहीं डाला। देखिए कुछ चीजें तो आपका ऑब्वियस नजर आ रही है, बनाई भी है पर छुपाई भी है और बता नहीं रहे हैं। नहीं अभी कितनी एक 100 रुपए ज्यादती होगी टीम के साथ भी, इब्रार के साथ भी, कि एकदम से पता चले इंडिया के खिलाफ वो मैच खेल रहा है जी, यहाँ पे हमें दो स्पिनर्स चाहिए। इब्रार को बॉलिंग आपने कहा करवाई, कितने मैचेस खेला है, 3-4-5 इतने मैचेस वो खेला है, वो भी ऑन एंड ऑफ, ठीक है ना। अगर साइम खेलता है उसको बॉल दे दीजिए, आज पहला ओवर करवा, ठीक है ना। पीएसएल में उसने किया हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल हमने क्यों इन चीज़ों की तैयारी नहीं की है, क्या हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी को, तो या हमारा माइंडसेट ऐसा है कि मतलब इफ्तिखार का अगर आप इंटरनेशनल बॉलिंग का रिकॉर्ड देखेंगे, जब भी उसके हाथ में बॉल आया ही हैज डिलीवर्ड,
कभी वो आठ ओवर पे रुक जाएगा, कभी वो दो ओवरों पे रुक जाएगा। हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी को, हम किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? क्या हम शादाब को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि शादाब की जगह ना इधर से उधर हिले, क्योंकि हम शादाब का बैकअप नहीं क्रिएट कर रहे? नहीं, देखिए ऑप्शन बढ़ाने होते हैं ना, एज अ कैप्टन एज अ कोच आप चाहते हैं कि ऑप्शन बढ़े आपके, पूल बड़ा हो आप, कि आपके पास ऑप्शन। और आजकल की जो T20 क्रिकेट में इसमें 6 बॉलर्स भी कम पड़ते हैं आपको समटाइम्स, कि कंडीशन आपने असेस कुछ और की है तो कुछ और चीज़ निकल आई है, ठीक है ना, कि आपको पेसर की जरूरत पड़ गई, ठीक है ना, तो ऑप्शन आपने बढ़ाने होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हम सवालात लेके गए और अभी तक हम जवाब उनके ढूंढ नहीं सके, ना ही हमें ढूंढने की कोशिश की। हम इसी के एक सम आओ खुद ही चीज़ें सेटल हो जाएं, तो ये फ़र्क है हमारी टीम का और बाकी टीमों का, कि वो अपनी टीमें बना के लाए हुए हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो फिर यहाँ पे जिस तरह के इवेंट्स होते हैं, जैसे कैप्टन उतरा फिर आ गया, फिर एक उतरा फिर वाइस कप्तान नहीं दे रहे हैं, वो नहीं ले रहा है, तो टीम के अंदर यू कुड इमेजिन कि क्या क्या चीज़ें चल रही होंगी। नहीं, मगर उन सारी चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान इज दी ओनली टीम जिसने वर्ल्ड कप से पहले सबसे ज़्यादा T20 मैचेस खेले हैं। 12 T20 मैचेस थे हमारे PSL से लेके वर्ल्ड कप तक, और उन 12 T20 मैचेस में हम अपना कॉम्बिनेशन नहीं सेट कर सके। हमें आज तक ओपनर ही नहीं पता कि हमारे ओपन कौन करने आए। वो आपने प्लान करना होता है ना, ये 12 मैचेस हैं, हमने इसको कैसे यूटिलाइज करना है, कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहां हमारा फोकस है, किस किस को चांस देना है, कितने कितने मैचेस हमने देखे, हम फिर एक ही माइंड सेट के साथ कि ये मैच हम किस तरीके से जीत लें, चाहे वो नेपाल है, चाहे वो नेदरलैंड सामने आ जाए, चाहे कोई भी टीम आ जाती है, अभी आयरलैंड की आ गई, तो वहाँ पे तो आपने पूरी पूरी टीम अपनी वही खिलाई ना, कि जो आपके बेस्ट प्लेयर्स आपकी नज़र में थे, और जो आपको उसके बाद पता चला ये तुम्हारे बेस्ट प्लेयर्स हैं ही नहीं है, ठीक है ना। तो वही स्टिल इन सर्च कि हमारी बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सी है। जब भी स्क्वाड बनता है 16 का, 15 का या इवन 20 का, आप 11 से 12 लड़के आपके जहन में होते हैं, ये हमारी प्लेइंग 11 है, ये एक लड़का है जो हो सकता है चेंज सिचुएशन के हिसाब से, बाकी तो आपके बैकअप्स होते हैं। हमारे 3-4 प्लेयर्स के अलावा मुझे बता दें कोई ऐसा परमानेंट हो कि बाबर, रिजवान, शाहीन, इसके अलावा आप गिनाते हैं? नहीं, शादाब भी देखें परफॉर्मेंस पे नहीं आता उस बिल्कुल क्वेश्चन मार्क्स हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। हम स्पिन करें जी, हमें स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस मिलेंगे तो हम मैचेस जीतेंगे, कौन जिताएगा? शादाब की फॉर्म उस तरह की नहीं लगी हुई है, तो शायद मे भी उसको ब्रेक दी जाती, किसी और को ट्राई किया जाता, ब्रेक उसके लिए भी अच्छी होती। बट आई थिंक इट्स टू लेट कि आप इस तरह के हम वो बात करें। आई थिंक शादाब नॉर्मली हमने देखा है अच्छे मैचेस में वो डिलीवर करता है। वैसे एक डिस्कशन हुई थी, मैं आपको उस डिस्कशन में फिर से शामिल करना चाहती हूँ। जब हमने एशिया कप खेला और फिर हम जब वर्ल्ड कप के लिए जा रहे थे इंडिया, उसके बीच में इतना टाइम था कि लड़के वापस आए, 2 कायदे आजम ट्रॉफी के मैचेस मिल सकते थे अगर शादाब अपनी फॉर्म रीगेन करना चाहते। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बोर्ड शुड फोर्स दीज प्लेयर्स टू गो बैक टू स्क्वायर वन एंड डोमेस्टिक, बिकॉज दैट्स द ओनली आंसर? देखें, इसमें ये डिबेट बड़ा अरसा चली, जब मैं भी था मैंने भी इस चीज़ पर एम्फसाइज किया, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे हाथ में उस तरह चीज़ें नहीं थी। इस तरह के डिसीजन जो होते हैं वो आपके इंटरनेशनल डिपार्टमेंट लेता है, ठीक है। और इन रिकॉर्ड मैंने ईमेल्स भी की, मैंने मैसेजेस भी की, आई कॉल देम अप कि जो जो लड़का अवेलेबल है, ठीक है ना, उसको खेलनी चाहिए कायदे आज़म ट्रॉफी, जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी 150 ओवर जब चल रहे हैं इनको खेलने चाहिए। लेकिन उस तरह से एक्शन किसी के अगेंस्ट नहीं आया। उसमें 3-4 प्लेयर्स ऐसे थे कि जो नहीं खेल, मतलब अवेलेबल थे लेकिन खेलना नहीं चाह रहे थे, एक दो को तो फिर मैंने थोड़ा सा फोर्स किया, एक आध मैच वो खेले, फिर वो गायब हो रहे। अक्सर प्लेयर उनमें से अब नहीं है टीम में, कुछ हैं टीम के अंदर भी हैं, लेकिन अब वो कुछ चैनल्स के ऊपर बैठे हुए यही बातें कर रहे हैं, लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है तो वो इस तरह। शादाब के साथ भी ऐसा ही था कि आई थिंक एक मौका था कि उसको खेलना चाहिए था, बड़ा इवेंट फॉर उमरा पे वो चले गए थे। तो आई थिंक प्रायोरिटी, जब आप प्लेयर्स खुद एक चीज़ को रियलाइज करें कि जब उनके पास टाइम है तो वो खेलें, और दूसरा जब किसी प्लेयर को ज़रूरत है तब सबसे आपको एक ही जवाब मिलेगा, जी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं कि टाइम नहीं मिलता। भाई किसी की फॉर्म अच्छी नहीं लगी हुई तो उसको उधर फोर्स ना करें, टेक हिम आउट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट, थ्रो हिम इन द डोमेस्टिक क्रिकेट, ठीक है ना। इट्स रिटन इन देयर कॉन्ट्रैक्ट्स, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है, एंड इट वुड बी अ विन-विन सिचुएशन। वो लड़का डोमेस्टिक में जाके वापस अपने आप की फॉर्म लाएगा और दूसरे लड़के को अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू परफॉर्म। बस यही चीज़ें थी, और ये बार बार मैंने मेंशन किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कहते हैं जी कभी कप्तान की रिक्वेस्ट आ गई है, कभी फलाने की रिक्वेस्ट आ गई है, डिसीजन मेकर्स ने वो डिसीजन नहीं लिए जो उनको लेने चाहिए थे। बट आई थिंक इट्स नेवर टू लेट, अभी भी एक क्लियर पॉलिसी तो है, बिल्कुल। अब इस पर कोई वो नहीं है कि पॉलिसी बनाने की जरूरत है या ये करने, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। जो भी डोमेस्टिक आपका हेड है,
इंटरनेशनल क्रिकेट का उनके हाथ में, हालांकि ये चीजें मेरे ख्याल में उनसे ज्यादा आई थिंक सिलेक्शन कमेटी के पास होनी चाहिए। बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन, हमने ब्रेक पर जाना है, हम जैसे ही ब्रेक से आते हैं तो हम इस कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन जरूरी है। कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, देयर एम्प्लॉयज, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और एम्प्लॉयज नहीं अगर मानते बात तो फिर एक्शन लिया जाता है। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल। ब्रेक पे जाने से पहले कॉन्वर्जेशन हो रही थी द इम्पोर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट। हम बार बार बात करते हैं पाकिस्तान में क्यों टैलेंट नहीं दिखता, टैलेंट है टैलेंट नहीं है, बट डोमेस्टिक को जब तक वेटेज नहीं मिलेगी तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। सोहेल, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात करें, सिर्फ एक पॉइंट रेज करना चाह रहा था कि ये जो आगे वसीम भाई भी बात कर रहे थे कि बोर्ड को फोर्स करना चाहिए या सिलेक्टर्स को फोर्स करना चाहिए, बट मोर इम्पोर्टेंटली आई गेस ये इंडिविजुअल की अपनी जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इफ समवन फील्स के यार मेरी फॉर्म अच्छी नहीं लगी हुई तो ही शुड गो एंड प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। ठीक, मैंने मिसबा उल हक, मोहम्मद हफीज, ये अपनी प्राइम पे जब मिसबा भाई कैप्टन भी थे तो मैंने इन लोगों को देखा कि ये टूर से आते थे तो अगर नेक्स्ट डे भी सुई सदरन का मैच है, सुई नॉर्दर्न से तो ये मैच पे चले जाते थे नेक्स्ट डे, हालांकि महीने डेढ़ महीने उस टाइम आपको पता दुबई में क्रिकेट होती थी हमारी, तो टूर से वापस आके तो मैच खेलने चले जाते थे। तो ये लोग एग्जांपल सेट करते थे। इवन मैं भी T20 टीम का हिस्सा था, मोस्टली मैंने T20 क्रिकेट खेली लेती, लेकिन फिर भी आते थे तो 4 डे अगर मैं अपने डिपार्टमेंट से खेलता था या पिंडी से खेलता था तो मैच होता था तो हम खेलने चले जाते थे, बेशक नेक्स्ट डे मैच है, यू नो। तो ये इंडिविजुअल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यार इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें टू गेन फॉर्म, क्योंकि आप किसी भी लेवल पे परफॉर्म करते हैं ना सवेरा तो इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। आपने 100 किया हो ना किसी क्लब के मैच में भी आप 100 करते हैं ना तो अंदर से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है यार कि आपके बैट पे बॉल अच्छा लग रहा है, या आपने अगर आउट किए हैं 3-4 किसी भी जगह जाके तो आपको रिदम आपका आता है एज ए बॉलर। तो ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी होती है प्लेयर की, ना कि आप बोर्ड को कहें कि बोर्ड उनको फोर्स करे या सिलेक्टर उनको फोर्स करे। यस, उनको गाइड ज़रूर करना चाहिए बट एंड ऑफ द डे ये मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन सम केसेस आप स्पेशली अगर बॉलर है ना, अगर कहीं एम्प्लॉयड हूँ ठीक है और मैं अगर अपनी वो सारी चीज़ें नहीं कर रही हूँ तो ऑब्वियसली देयर वुड बी वन पॉइंट जहाँ एम्प्लॉयर कहेगा कि बस इनफ इज इनफ, इधर यू डू इट या फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। आई एग्रीड ऑन इट, मैं एग्री कर रहा हूँ कि एक्शन लेना चाहिए। मैं वैसे अपनी एज ए प्लेयर कह रहा हूँ कि एज ए प्लेयर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आपकी कि यार ये मेरा ब्रेड एंड बटर है, मैं इसके साथ लॉयल नहीं हूँगा तो ये मुझे कैसे पे बैक करेगी। तो पहले प्लेयर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देन बोर्ड अगर वो देखे कि वो लोग नहीं कर रहे हैं तो देन दे शुड टेक एक्शन। जब आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात की है तो अभी मिसबा का आपने जिक्र किया, मिसबा टीम से ड्रॉप हुए, LCC में मैच चल रहा था, 280 किया, सारा मीडिया उधर खड़ा हुआ है जी मिसबा साहब अपना ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। टीम से ड्रॉप होने के बाद 280 कर दिया। अब्दुल कादिर साहब कराची में या पता नहीं किस शहर में इंटरनेशनल मैच खेला, सीरीज़ ख़त्म हुई, अगले उसी दिन वहाँ से उड़े, अगले दिन सुबह सीधे कदाफी स्टेडियम फर्स्ट क्लास का मैच खेल रहे। तो आपके दौर में तो बहुत ज़्यादा, वह बहुत पुराना तो नहीं है लेकिन फिर भी नहीं देखिए अभी सारा की ये बात कर रहे हैं, तो जब मिस बात है यूनस वाज अ प्राइम एग्जांपल, वो भी ऐसे थे, अजहर अली था उससे पहले चले जाए ना, हमारे दौर में 90s में भी अगर आप देखते हैं तो यही था कि आपके जो बड़े बड़े थे हमारे उस टाइम के स्टार, चाहे वसीम वकार भी, आपको वो भी खेलते हुए नज़र आते थे, शुएब अख्तर आपको फर्स्ट क्लास खेलते हुए नज़र आते थे। अब ठीक है, डिफेंस क्या आया, क्रिकेट हो गई है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर आप उस साइड का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है, इंटरनेशनल क्रिकेट आप आइटनरी उठा के देखते हैं, टाइम कम होता है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अब ये लिखा कहीं नहीं कि आपने खेलनी खेलनी, लेकिन जब ज़रूरत है यू नीड टू मेक श्योर कि आप खेलें। ये प्लेयर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये PCB की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्लेयर खेले, फिर उसको प्लेयर की वेलबींग है खुद की, उनको मतलब एहसास होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब थोड़ा सा वो चेंज हो गई है चीज़ें, उस तरह शायद प्लेयर नहीं उस तरह सोचते हैं। और दूसरा फिर अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट का हमें स्टैंडर्ड बेहतर करना होगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात। अब प्लेयर से आप अक्सर से बात करोगे जी वो ग्राउंड ऐसा है, वो पिच ऐसा है, मैं इंजर्ड ना हो जाऊँ, है ना। अब ये जो चैलेंजेस हैं, अब ये तो ईजिली ये इनके सोल्यूशन हैं ना क्रिकेट बोर्ड के पास, कि अभी आपकी डोमेस्टिक चल रही होती है और ऐसे ऐसे ग्राउंड्स पे मैचेस हो रहे हैं जहाँ पे ड्रेसिंग रूम नहीं है, वॉशरूम तक नहीं है, मतलब वॉशरूम है तो दरवाजे नहीं लगे हुए, क्या क्या स्टोरी ना हो, तो वहाँ पे फिर उनका आ जाता है यार मैं इंजर्ड ना हो जाऊँ, वहाँ जाके चार को मैच है, तीन को बदल दिया जाता है वेन्यू।
तो हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है इसको बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, इसको प्रायोरिटी देने की जरूरत है। ये नहीं कि बस हमने डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस नंबर ऑफ मैचेस करा देने हैं, कहाँ पे होने हैं, कब होने हैं, वेदर कैसा है, पिचेस कैसी हैं, वहाँ पे सहूलियात क्या क्या हैं प्लेयर्स के लिए, क्योंकि फॉर मी इट्स लाइक आप ना डिसरिस्पेक्टफुल है आप प्लेयर्स के लिए, अपने ऑफिशियल्स के लिए, कि अगर मैच रेफरी आपका दरख्त के नीचे बैठा हुआ है जमीन के ऊपर, डिसरिस्पेक्टफुल है उनके लिए। पानी पीना तो पानी पीने के लिए पानी नहीं है, तो ये आपके एम्प्लॉयज हैं सारे, तो उनकी भी और फिर प्लेयर्स भी आपके ही हैं सारे ना, तो उनकी प्रायोरिटी आपको देखनी चाहिए कि इनको अपने फैसिलिटीज कहाँ पे मैचेस कराने हैं, उन चीज़ों को ऑपरेट कैसे किया जाए, क्योंकि आपके मेन वेन्यूज होने चाहिए। रैंडमली आप ओवरनाइट जी कल उधर मैच है तो रात को फोन आए नहीं जी इधर नहीं है फलाने ग्राउंड में आपका मैच चला गया, लेकिन प्रॉपर एक टीम होनी चाहिए और एक ही करे ग्राउंड्स को जाके देखे यहाँ पे क्या क्या सहूलियात है, यहाँ मैच हो सकता है। यूनिफॉर्म पॉलिसी भी तो नहीं है सारे प्लेयर्स के लिए, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है। अभी रिसेंट एग्जाम्पल हमारे सामने डोमेस्टिक चल रहा था और आपने आज़म खान और साइम अयूब को CPL खेलने भेज दिया था, डोमेस्टिक खेलते हुए वो खेलते खेलते एक टीम से निकल कर गए फॉर दैट, तो यूनिफॉर्म पॉलिसी भी तो नहीं है। नहीं पॉलिसी तो है, पॉलिसी इज देयर ना, एप्लीकेशन NOC लेनी है ना फिर आपने, NOC इसी वजह से आप ले रहे हैं तो NOC देने वालों पे है ना, बेसिकली यू आर अलाउइंग देम कि ये मैट्रिक चल रही है आप इसको छोड़ें NOC ले आप लीग क्रिकेट खेलने चले जाएं। लेकिन अगेन अब जो लीग क्रिकेट है ना वो देखें कि अगर आजम की बात अगर हम करते हैं तो ओबीसी उसका 4 डे से अब वो खेलता भी नहीं है ना, उसका कोई फ्यूचर है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं T20 ही खेलता हूँ, ठीक है ना, CPL आगे वर्ल्ड कप आ रहा है वहाँ पे यू नो एक्सपीरियंस उसके लिए अच्छा है, तो ये चीज़ें आपने कंसिडर करनी होती हैं कि इस प्लेयर की जाने से टीम को क्या फ़ायदा है, उसको क्या फ़ायदा है, और डोमेस्टिक ना खेलने से क्या इसको नुकसान होगा या उधर जाने से ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो वो चीज़ें आप वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन पॉलिसी तो सिंपल है कि जब आप इंटरनेशनल कमिटमेंट आपकी नहीं है यू मस्ट प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट, ठीक है ना। लेकिन हमारा बस मसला यही है कि फिर बीच में कोई ना कोई आ जाता है, कभी कप्तान आ जाएगा तो कभी मैनेजर आ जाएगा, कभी कोच आ जाएगा बीच में, एक आध फोन उधर जाएगा इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का, वो चले इंतजार है एक मैच देख लेते हैं, दो मैच देख लेते हैं, फिर वो चीज़ें इस तरह फिर एक नहीं करेगा तो फिर दूसरा भी नहीं करेगा, तो वो चीज़ इस तरह चलती जाती है। लेकिन अगेन एंड ऑफ द डे नुकसान प्लेयर का ही होता है, बहुत से प्लेयर जो अभी टीम के अंदर नहीं है अभी जो अपनी दिखा रहे हैं जी मासूमियत दिखा रहे हैं, जुल्म हो रहा है हमारे साथ, डोमेस्टिक आपने खेली होती परफॉर्म किया होता आपका केस स्ट्रॉन्ग होता, शायद आप लोग यहाँ बैठे वही बात कर रहे थे भी डोमेस्टिक इतना परफॉर्म नहीं, बट ये भी गलत एक और गलत मैसेज है ना, साहिबजादा फरहान का क्या केस स्ट्रॉन्ग हुआ, हुआ कोई केस स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ ना, कोई केस स्ट्रॉन्ग, ही इज बीन डूइंग इट सिंस पास 3 seasons ऑन एंड ऑन। तो एक मैं अगर बैठी हुई देख रही हूँ तो मैं तो ये कहूँगी मैं क्या टाइम ज़ाया कर रही हूँ, मैं क्यों खेलूँ डोमेस्टिक, वो डोमेस्टिक खेल के उसने क्या उखाड़ लिया, वो तो टीम में जगह नहीं बना सका। देखें अब बात फिर वही आती है, वहाँ पर कॉमन सेंस प्रिवेल करती है ना, ठीक है ना, चंद प्लेयर्स ऐसे थे बल्कि एक दो प्लेयर ही ऐसे हैं कि जिनका मुझे दिल से दुख था कि जिनको मैं पिक नहीं कर सका, एंड वन ऑफ देम वाज साहिबजादा फरहान, ही वाज परफॉर्मिंग रियली वेल, लेकिन ऊपर आपके रिजवान बाबर खेल रहे हैं, आपके सेटल ओपनर्स खेल रहे हैं, आप कैसे लेके आ सकते थे, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं कि मतलब वो जो आप बात कर रहे हैं बात करने की या प्रेशर की, प्रेशर में आपको उठा के ले गया आपने 7.5 नंबर पे खिला दिया, उसका भी नुकसान किया, उसका कैरियर ही खत्म कर दिया एक तरह से, आपने खिलाना ही था तो ओपन करवाते आप उसको, ठीक है ना। तो वो फिर आपने देखना ना अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस जो टीम के अंदर ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी वो सेटल पोजीशन चल रही है। दूसरा फिर बात उधर आ जाती है कि जो रोटेशन की जो पॉलिसी थी वहाँ पे अगर वो इम्प्लीमेंट होती कि लेट्स से कि अब हर साल साहिबजादा या कोई और लड़के ऐसे नहीं थे जो वही परफॉर्म कर रहे थे, उससे पहले जो लड़के सिलेक्ट हुए थे वो परफॉर्म करके आए थे, अभी उनको चांस नहीं मिला था, बिल्कुल तो पीछे से एक लड़का तो और कैसे आ जाता, तो वो अगर उनको चांस मिला होता शायद टेस्ट हो जाते कुछ लड़के, तो फिर शायद साहिबजादा का केस भी आ जाता कि ठीक है ये टेस्ट किया है इसका कोई नज़र नहीं आ रहा या हमें चेंज करने की ज़रूरत है, हमें एक और लड़का भेज देते। तो ये ओवरऑल देखते ना पूरा एक सर्कल चलता है, तो इसके अंदर कुछ प्लेयर्स अनफॉर्चुनेटली मिस आउट होते हैं, कुछ को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो हमें एक प्रॉपर एक यू नो एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है कि एक बंदे के कहने से दो बंदों के कहने से नहीं चीज़ें चलनी चाहिए, सिस्टमेटिकली चीज़ें जब चलेंगी जो तभी होगा। 70-30 वाली इन्होंने बात की थी ना, यहाँ पे ये उसकी प्राइम एग्जांपल है कि अब जैसे हमारे बाबर रिजवान सेटल्ड ओपनर है, ठीक है, जो मेजर टूर्नामेंट्स हैं या मैचेस हैं दे शुड प्ले, ठीक। अब उसमें आपने देखना है साहिबजादा फरहान जैसे जो केसेस हैं जो एज ए ओपनर पिछले 2-3 साल से परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, अब आपने उनको कैसे अकोमोडेट करना है, तो उसमें वो जो आगे 70-30 वाली बात हुई जो आपको हल्की सीरीज मिली या आप टीम के साथ रख सकते हैं बड़ी सीरीज में भी, जहां आप सीरीज जीत जाएं या सीरीज हार जाएं, तो वहां पे आप साहिबजादा हो गया या जिन लड़कों को आप
परफॉर्मेंस बेस्ड लेके गए हैं उनको उनके रिस्पेक्टिव नंबर पे उनको मौका दें, बाबर या रिजवान में से, लेस से बाबर कप्तान है तो रिजवान एक मैच बाहर बैठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना इसे, या एक सीरीज हल्की है तो उसमें एक रिजवान को अगर आप नहीं खिलाते या रिजवान चला जाता है लेकिन सब ज़्यादा दो मैच खेल लेता है, अकोमोडेट आपने करना होता है, अप्रिसिएशन मिलती है डोमेस्टिक प्लेयर को उसकी परफॉर्मेंसेज के ऊपर कि यार वैल्यू होती है कि उस बाकी मैसेज जाता है जितने भी डोमेस्टिक 200-400 प्लेयर खेल रहे हैं ना उनको एक मैसेज जाता है यार कि अगर मैं परफॉर्मेंस दूंगा तो उसको अप्रिसिएशन मिलेगी, रिवार्ड मिलेगा और मैं जाऊँगा और खेलूंगा और वहाँ खेलूंगा वेयर आई डिजर्व, जहाँ पे मैंने परफॉर्म किया है, तो ये एक वो सारा सिस्टम आपको बनाना पड़ता है। अच्छा जब ये डोमेस्टिक की बात हो रही है, फॉर्मेशन की बात हो रही है, अभी चूंकि कोई क्रिकेट नहीं हो रही, उसामा मीर वाला एक केस आया है सामने, ठीक है वसीम साहब, अगर ना वो पाकिस्तान टीम के साथ हैं ना आपकी पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई क्रिकेट हो रही है, तो क्या इस सूरत हाल में आप समझते हैं वाकई कोई इस किस्म की पॉलिसी की ज़रूरत है या सोच की ज़रूरत है कि अगर कोई क्रिकेटर कहीं भी नहीं खेल रहा तो वो आप उसको क्रिकेट खेलने से भी रोक दें? देखें ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या कैप्स लगाने वाली जो बात है ना, मैं तो उसके टोटली अगेंस्ट हूँ, कॉमन सेंस इसमें आनी चाहिए, कॉमन सेंस आनी चाहिए, आनी चाहिए, हो सकता है किसी को पूरा साल है अब एक भी ना दे, ठीक है ना, वो सेंस ये भी हो सकता है किसी को पूरा साल एक भी ना दे, कोई कोचेज आपके जो कोचेज हैं बॉलर है तो उसका बॉलिंग कोच, हेड कोच, उनके जो फिजियो है, उनके ट्रेनर्स है, वो पूरा एक चार्ट बनाते हैं और वो पूरा प्रॉपरली काम कर रहे होते हैं, जोन्स बने हुए हैं, ग्रीन जोन है, येलो जोन है, रेड जोन है, वर्कलोड मैनेजमेंट डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस प्लेयर्स तो साथ जो रेड जोन के अंदर है वो तो मतलब कई दफा होता है कि आप इंटरनेशनल मैच उसको छोड़ना पड़ता है कि जी अगली सीरीज आप नहीं खेल सकते, आपका वर्कलोड ज्यादा है, ये कह देंगे दो मिलेंगी सारों को, लेकिन अब फाइनेंशियल लॉस तो है ही है उस प्लेयर का, वो सोचेगा कि मेरा क्या कसूर, ठीक है, एक कोई मतलब नया प्लेयर है जो एस्टेब्लिश नहीं है, जिसका अभी मतलब उस तरह अभी नाम नहीं बना हुआ है या उतनी इनकम भी इसकी नहीं है, उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो सिर्फ इस वजह से रुक रहा है कि बिकॉज ही बाबर और शाहीन पे वो पॉलिसी लगी हुई, तो ये इसको कभी भी आप वो नहीं कर सकते जी कि दो की रिस्ट्रिक्शन लगा दें या एक रिस्ट्रिक्शन मतलब ये इसमें ज़्यादा अहम है कि जैसे अभी ना कि लाजिम नहीं है कि किसी को दो मिले और लाजिम नहीं है कि सबको मिले, किसी को एक की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, जो आपके टॉप केस टू केस वेरी करना चाहिए ना। अब कुछ प्लेयर हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और फाइनेंशियली अगर आप बात करें तो अभी जो करंट कॉन्ट्रैक्ट्स है ना दे आर वेरी गुड, वेरी हैंडसम, तो मैं फाइनेंशियल लॉस को तो पहले नहीं रखूंगा, हाँ मेरी नज़र में ये नुकसान है कि एक प्लेयर क्रिकेट ही नहीं खेल रहा, घर बैठा हुआ है, ये नुकसान है उस प्लेयर के लिए भी और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान है, क्योंकि आपका प्लेयर क्रिकेट खेलेगा, एक्सपीरियंस गेन करेगा तो कल आपका ही फायदा होना है, तो इसमें ये पॉलिसी मुझे समझ नहीं आती कि आपने अब 40 प्लेयर्स को अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है तो आपके 15 से 20 प्लेयर जो होते हैं वो पूल का हिस्सा होते हैं, बाकी कभी कोई आ गया उसके अंदर तो आ गया, बाकी 20 प्लेयर जो आपके साथ हैं वो कहाँ जाएंगे अगर उनको क्रिकेट नहीं मिली, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हो रही, तो ये दो NOC वाला, हाँ अगर अभी जो डिसीजन ये हुआ है मैं इसको कहूँगा कि ये ठीक है क्योंकि आपने एक रूल बनाया हुआ है, ठीक है, अब उस रूल के ऊपर डिबेट होनी चाहिए कि वो रूल सही है या नहीं, आपने रूल बनाया हुआ है तो उसको इम्प्लीकेट करना चाहिए, ये गलत डिसीजन नहीं है, मैं इसको बैक करूंगा, ठीक, बट ये पॉलिसी जो है इसको दोबारा रिव्यू करना चाहिए और इसको ऐसा बनाना चाहिए कि केस टू केस वेरी करें, ताकि किसी पे अगर वर्कलोड है तो वो फिजियो या डॉक्टर डिसाइड करें कि ही नीड्स रेस्ट, और जो प्लेयर आपका वो अगले 2-4 महीने प्लान का हिस्सा नहीं है उनको मत रोकें, लेट देम प्ले क्रिकेट, बट द सोर्सेस फ्रॉम द PCB वो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे ये कहती हैं कि अगर तो क्योंकि वीज़ा लगे हुए हैं, उसामा का भी वीज़ा लगा हुआ है, टोटल कोई 22 से 23 लड़के हैं जिनके टोटल वीज़े लगे थे वर्ल्ड कप के लिए, सो अगर तो वहाँ कहीं इंजरी हुई, ट्रैवलिंग रिजर्व्स नहीं जा रहे, उसामा अगर वहाँ लीग में खेलते हुए इंजर्ड हो गए और हमें रिक्वायर्ड हुआ तो हम क्या करेंगे, दिस इज द एक्सक्यूज दैट दे गिव, आई डोंट बाय दिस आर्गुमेंट टू बी ऑनेस्ट, दिस इज द एक्सक्यूज दे गिव, वो तो प्रैक्टिस करते हुए प्लेयर कहीं पे भी इंजर्ड हो जाता है, बट आप नेट भी ना कराओ, आप जो है रूई के डब्बों में रख दो, आइडियल आपके लिए क्या है कि आपका प्लेयर मैच फिट हो, खेलता हुआ हो, गॉड फॉरबिड यू नीड हिम, चलो भाई और करीब ही है कनाडा, दूर की बात बिल्कुल बराबर है, मैच खेलते हुए जाएगा ना, मैच प्रैक्टिस में जाएगा, एग्जैक्टली, बजाय नेट में आप जितनी मर्जी बॉलिंग करा लें, देयर इज नो कंपैरिजन, जो मैच प्रैक्टिस होती है, जो मैच फिटनेस होती है वो टोटली डिफरेंट होती है, तो वो आइडियल है कि आप घर बिठा लें, फिर तो सबको घर बिठा लें यार, कोई प्रैक्टिस करते हुए इंजर्ड ना हो जाए, सो आई डोंट बाय दिस आर्गुमेंट के यार ठीक है, आई एग्री कि आपने 22-23 बंदों के वीजे लगे होते हैं, बट अगेन
आर्गुमेंट ये है कि एनओसी की एक पॉलिसी बनी हुई है और जब रूल बनता है तो वो सबके लिए होता है, सबके लिए होता है। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। पाकिस्तान में तो ये भी मसला ना, एक फिजियो की, डॉक्टर की बात हो रही है, पीसीबी ऑफिशियल्स की बात हो रही है, तो फिर जब आप इसको कॉमन सेंस पर लेके जाते हैं, अगर उसकी कॉमन सेंस में वो बंदा ही उसको नापसंद है तो वो कहेगा नहीं। सबसे बड़ा मसला ये है कि हम हर बंदे को अपना काम करने दें और उसको वैल्यू दें, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन अभी एक पीछे कोई स्टेटमेंटें चली जाती थी कि बड़ा अरसा हो गया पाकिस्तान टीम में फिटनेस टेस्ट नहीं हुए या फिटनेस के ऊपर फोकस नहीं किया गया, सारी गलत स्टेटमेंट्स। फिजियो वही है पाकिस्तान टीम का अभी भी, और ट्रेनर भी वही है पाकिस्तान टीम का, ठीक है ना, बल्कि हमारे साथ भी वो काम अभी भी किया था उसने, और उसके पास पूरी शीट्स पड़ी हुई हैं किसका टेस्ट हुआ है, कब हुआ है, कौन से लेवल पर वो है। तो आप देखने की जहमत नहीं करते, पूछ ही लें कैसा हुआ है कि नहीं, या आपने वो कर दिया। अब उसमें जो डंडी मारने वाले लड़के थे, ठीक है ना, कुछ को तो मैंने इस बेसिस के ऊपर टीम से भी ड्रॉप किया था कि जब फिटनेस टेस्ट होते थे, कैंप होता था, तो उनको कोई ना कोई मसला हो जाता था, ठीक है ना। बहुत से वो लड़के आप वापस खुद लेके आए हैं, अगर आप फिटनेस का कल्चर आप लाना चाहते हैं टीम के अंदर, तो उनकी रिपोर्ट्स, वो जो जोन्स की मैं बात कर रहा था, वो उसके पास सारे बने हुए हैं। और वो ये नहीं है कि उसने मर्जी से बस कलर दे दिया उसको, उसमें ओवर्स, कितने ओवर्स वो फील्ड के ऊपर आए, कितनी उसने बॉलिंग की, कितनी ट्रैवलिंग की, उसमें बहुत माइनर डिटेल्स हैं। वसीम, इस फिटनेस पे हम और बात करेंगे, बिकॉज जहाँ जिस तरह सुहेल ने कहा कि सेल्फ इंडक्टेड चीज़ होती है, ये फिटनेस भी एक सेल्फ इंडक्टेड चीज़ है। किसी ने विराट कोहली को नहीं बताया कि मेरी मास इंडेक्स कितनी होनी चाहिए, मेरी कितनी फिटनेस होनी चाहिए, मुझे कितना प्रोटीन इनटेक करना चाहिए। सो हम ब्रेक पर जाएंगे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे, सो फिटनेस भी एक सेल्फ असेस चीज़ है जो एक एथलीट को रखनी चाहिए, आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर, T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही थी, ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम के हवाले से एंड फिटनेस के हवाले से। हम खैर फिटनेस पे इतनी बात कर रहे हैं, और उस फिटनेस पे बात करते करते फिर मेरे जहन में आता है कि हमारे स्क्वाड में, हमारी 11 में आजम खान भी हैं, बट हम फिटनेस की बात फिर भी करते रहते हैं। बट फिटनेस, वसीम, कमिंग बैक टू दैट टॉपिक, एक सेल्फ असेसमेंट होती है फिटनेस की। अगर मैं एक प्रोफेशन में हूँ और मुझे पता है कि इस प्रोफेशन की ये डिमांड है, तो आई विल मेक श्योर कि वो प्रोफेशन की डिमांड पूरी करूँ। एथलीट्स के लिए फिटनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो ये प्लेयर्स को आप स्पून फीड तो नहीं कर सकते कि जी NCAA में तुम लोग जो है वो डाइट खाना खाओगे, वरना बाहर निकलोगे तो निहारी और बिरयानी खाओगे। नहीं, देखिए उसमें एक रिक्वायरमेंट भी तो होती है ना। अगर आपको 100 मीटर भागना ही नहीं आता या आपकी फिटनेस नहीं है, तो ओलंपिक्स वाले तो नहीं आपको आने देंगे ना, आपको कुछ करके आना पड़ता है ना। ठीक है, सेम अप्लाइज ऑन कि आपको स्टैंडर्ड सेट करने होते हैं कि एक मिनिमम ये स्टैंडर्ड है हमारा, कुछ टीमों का ऊपर है, कुछ का नीचे है, लेकिन कोई ना कोई स्टैंडर्ड है। तो हमें एक तो उस चीज़ को फॉलो करना होगा। हम उस पर क्या कि थोड़ा सा जो इश्यूज़ आते हैं कि ठीक है, आजम खान को पहली दफ़ा मैंने सेलेक्ट किया था, ठीक है, और उसकी मैंने रीजनिंग उस टाइम भी दी थी, और मैं थोड़ी सी उस पर दोबारा बात करता हूँ कि अब वो अकलौता मेरा डिसीजन नहीं था कि आजम, क्योंकि स्पेशल केस है, ठीक है, मेरा काम है सिलेक्ट करना, जो खिलाने वाले हैं उनकी कंफर्ट बहुत ज़रूरी है ना। तो फिर मेरी बिस्बा थे, बाबर थे, नहीं, स्पेशल केस है, एलाबोरेट कर सकते हैं आप। स्पेशल केस इन द सेंस कि हमारे पास प्लेयर्स उस क्वालिटी के अवेलेबल नहीं है, जितने भी हैं हमने ट्राई कर लिए, ठीक। अब ये लड़का है, इसकी फिटनेस नहीं है उस स्टैंडर्ड की, कैन यू मैनेज एज अ हेड कोच, एज अ कैप्टन? अगर वो कहते हैं कि नहीं, तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, ठीक है। दे एग्रीड उन टर्म्स के ऊपर कि ये आएगा टीम के साथ, वो उसको मैनेज करेंगे अर्ली ऑन, लेकिन ऑन प्रोग्रेशन इसकी फिटनेस के अंदर आएगी, ये डील हुई थी, ओके, ठीक है, जो कि अनफॉर्चुनेटली वो पूरी नहीं हुई। उसी टर्म के ऊपर वो दोबारा सेलेक्ट हुआ है, और शायद मेरे पे होता तो मैं दोबारा वो चांस ना देता कि इस तरह का चांस एक दफ़ा ही आपको मिल सकता है जी। दूसरा वहाँ पे फिर क्वेश्चन क्या था कि ठीक है जी, आजम को वो डिनाई कैसे करते हैं जी कि फिटनेस है तो हम इसको नहीं, हम गुजारा कर सकते टीम के अंदर, लेकिन उस टाइम कॉम्प्रोमाइज चीज़ें हो रही थी, ठीक है ना, उससे पहले। अब ठीक है, आजम देखने में लगता है तो खैर फिटनेस के इशू, वो बाकी लगता है, कुछ प्लेयर्स देखने में फिट लगते हैं, बट दे आर नॉट फिट, नहीं होते, नहीं है फिट, अभी वो टीम के अंदर है, कुछ वापस आए हैं जो, ठीक है। हाँ, नहीं, आई रिमेंबर इमाद वसीम वाज वन वेरी बिग एग्जांपल मिकी आर्थर के अंडर, तो जब इमाद पे या शाह पे और प्लेयर्स थे, जब हो रहा था जी के इन पे आप कर रहे हैं जी कि थोड़ा सा चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो फिर ठीक है आप एक और करें, ठीक है ना। जब ये सारा हो गया, उसके बाद दोबारा जब सकलैन आए, ठीक है ना, फिर हम दोबारा बैठे, वी मेड अ
क्लियर एक पॉलिसी कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स को नहीं करेगा अचीव, ही कैन नॉट बी सिलेक्टेड, चाहे वो टीम को ज़रूरत है नहीं है, कि जो भी आप कहें जो प्लेयर्स फिटर हैं और परफॉर्म कर रहे हैं वही टीम के अंदर आएंगे, तो वो सारा सिस्टम आपने फिर ऊपर नीचे कर दिया है। तो सिर्फ प्लेयर्स को कह देना, आप खुद जगह देंगे तो प्लेयर ऐसे आएगा, अदरवाइज जब एक क्लियर कट पॉलिसी है तो उस पर फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ अगर नहीं करते, क्योंकि आप इस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करते तो फिर दो तीन और भी आपके आ जाते, ठीक है ना, जो कि फिटनेस टेस्ट भी नहीं देते हैं, कोई फिटनेस का कैंप होगा तो उसके अंदर उनको बुखार हो जाता है, बुखार हो जाएगा, किसी को क्या हो जाएगा, दे वोंट बी पार्ट ऑफ दैट कैंप। और ये पहली दफ़ा नहीं, ये पिछले एक हिस्ट्री आती जा रही है कि बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो फिटनेस में डंडी मारेंगे आपके, ना फिटनेस टेस्ट देंगे वो, ना फिटनेस के कैंप लगेगा, तो उसके अंदर उनका कोई ना कोई मसल उनका वो खिंच जाएगा। तो ये फिर आपको स्टिक डिसीजन लेने होते हैं, विच आई डिड, जिसकी वजह से मैं कुछ ज्यादा पॉपुलर नहीं था कुछ प्लेयर्स के दरमियान में, इसी वजह से आप बहुत पॉपुलर थे, आपकी तो रील्स भी बहुत मशहूर होती थी। हाँ, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे थे कि कि जिनको इन्हीं वजूहात की वजह से ना उस टाइम पे मतलब नहीं, बट आप कह रहे हैं फिटनेस का एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी ऑफ फिटनेस की बात की वसीम ने यहाँ पे सुहेल, हर किसी के लिए डिफरेंट फिटनेस रिजीम होनी चाहिए ना। मतलब एक टाइम पे तो हम सुनते थे यो यो टेस्ट, बस यो यो टेस्ट, शान ने इतना किया वो पार बन गया जी, उसका भी अगले का भी यही होना चाहिए। हर बंदे का यो यो टेस्ट की जरूरत नहीं है। मतलब एक बैटर की जो फिटनेस होगी वो डिफरेंट होगी, एक फास्ट बॉलर की डिफरेंट होगी, एक स्पिनर की डिफरेंट होगी, बट हम एक साथ ही हांक देते हैं सबको। देखिए, पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारा कल्चर क्या है, ठीक है, हम कोई सुपर एथलीट कल्चर नहीं है हमारा, हमारे जो प्लेयर्स आते हैं, और ये हमारी हिस्ट्री है, ठीक है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, हमारी फैसिलिटीज़, नॉलेज, सबसे अवेयरनेस, क्या खाना है क्या नहीं खाना आपको, ये जब हम पाकिस्तान टीम में आते हैं तो जाके पता चलता है, तो आपकी हैबिट्स बन चुकी होती हैं, ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पर ये है कि जैसे वसीम भाई ने बात की ना कि आज़म आया, ठीक है, ही वॉज नॉट सुपर फिट, मतलब लेकिन डील एक हुई कि वो ग्रेजुअली इम्प्रूव करेगा। तो मेरा सिर्फ पॉइंट यही है, मेरा आर्गुमेंट यही है कि आपको अगर आप सुपर फिट नहीं है ना, जैसे आपने बात की ना, अब मेरा फिटनेस लेवल, मेरी बॉडी डिफरेंट है, शान मसूद की डिफरेंट है, जो क्रिकेटिंग फिटनेस है वो डिफरेंट है, हो सकता है मैं 5 चक्कर तो नहीं लगा सकता लेकिन मैं 20-20 ओवर का स्पेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, आपको देखना ये है कि मैच के दौरान वो प्लेयर आपके लिए फील्ड 50 ओवर फील्डिंग कर रहा है तो उसकी एनर्जी है, 10 ओवर कर रहा है तो पूरे 10 ओवर उसकी एनर्जी बरकरार रहती है कि नहीं रहती। जब फिटनेस की बात आप करते हैं, अगर मैं 3 चक्कर लगाता हूँ तो ये फिटनेस ट्रेनर का काम है कि ग्रेजुअली मेरे ऊपर काम करे, मैं 3 चक्कर से 3.5 3.5 ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, क्योंकि फिटनेस ट्रेनर इसीलिए होते हैं। तो सिर्फ इस बेस पे किसी स्किलफुल प्लेयर को जो कि आपको मैचेस जितवा सकता है आप उसको बाहर नहीं करना चाहिए कि यार ये 5 चक्कर हमारा वो पैरामीटर है, ये 5 चक्कर नहीं लगा, मैच जितवा सकता है लेकिन 5 चक्कर नहीं लगा सकता, यू नीड बैलेंस। और उसमें प्लेयर की आप और वो प्लेयर अगर फिटनेस ट्रेनर की बात ही ना माने फिर देन मैं वही उधर ही आने लगा था कि बैलेंस होना चाहिए। अगर प्लेयर विलिंगनेस नहीं शो कर रहा ना, अगर वो स्टबन है, देन यू मेक अ कॉल, फिर उस पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन एक प्लेयर ग्रेजुअली काम कर रहा है, क्योंकि मैंने कई केसेस देखे कई प्लेयर्स के, हमने एक ओके जी वो यो होता था 17.6 करना ही करना है, ठीक है, कोई एक शटल से रह जाता था, किसी ने 17.5 किया है, अब वो टीम से बाहर हो गया सिर्फ एक शटल के ऊपर, ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, कि हालांकि हो सकता है वो आपका मैच विनर हो, तो सिर्फ अब वो फिटनेस एक ऐसी चीज़ है कि आप ग्रेजुअली उसके ऊपर काम करके तो इम्प्रूव करा सकते हैं, लेकिन आप क्रिकेट किसी को सिखा नहीं सकते। जो हाईली स्किलफुल प्लेयर होता है ना, टैलेंटेड होता है, वो उसकी फिटनेस तो इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन एक सुपर फिट प्लेयर को आप हाईली स्किलफुल प्लेयर नहीं बना सकते। सो आप क्रिकेट जो है प्रायोरिटी, आपकी स्किल्स होनी चाहिए, फिटनेस सेकेंडरी है, ठीक है, वो हेल्प करती है आपको टू परफॉर्म बेटर, आपको मैच विनर बनाती है। और अगर आप देखते हैं कि एक प्लेयर वो स्टबन है, वो नहीं कर रहा, तो फिर आप बिल्कुल मेक अ कॉल, यानी फिर ऑब्वियसली उस प्लेयर की प्रायोरिटी आपको पता चल जाती है कि प्रोग्रेस, एज लॉन्ग एज समवन इज शोइंग प्रोग्रेस, वो हेल्प कर रहा है, फिटनेस ट्रेनर के साथ काम कर रहा है, आपको नजर आ रहा है बींग अ कोच, बींग अ चीफ सेलेक्टर, बींग अ कैप्टन, तो बेयर विद इट, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक बेंचमार्क रखा हुआ है, इसने एक शटल कम लगाई है, 17.5 किया जी, ये नहीं, ये वर्ल्ड कप पे नहीं जा सकता, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा
फिर जिस तरह इन्होंने एग्जाम्पल दी वो भी केस नहीं होना चाहिए कि एक प्लेयर खाम हा के, तो आपको समझ आ जाती है कि कौन प्लेयर जान के कर रहा है, कौन प्लेयर कोऑपरेट कर रहा है, तो उस पर आपको बैलेंस रख के चलना पड़ता है। मेरा टेक इस पर ये ठीक है, बैलेंस करना पड़ता है इसको, और इसके साथ साथ बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, और बैलेंस मेंटेन करने के साथ साथ हमें अब ज्वाइन इन किया है शाहिद खान आफरीदी ने। लाला अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम सवेरा इमरान सुहेल और वसीम। लाला आपकी आवाज हमें नहीं सुनाई दे रही है, आवाज आ रही है सवेरा? जी बिल्कुल बिल्कुल आने लगी आवाज। जी लाला खुश आमदीद सबको, अस्सलाम वालेकुम। लाला डिस्कशन हमारी हो रही है फिटनेस के ऊपर, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे वक्तन फवक्तन हम बात करते हैं, और फिटनेस कितनी एक एथलीट की अपनी जिम्मेदारी है और कितनी इन्फोर्स करनी चाहिए एक बोर्ड की तरफ से। ये अच्छा किया जो सुपर फिट आदमी है उसी से ही आपने ये सवाल पूछ लिया। मेरे ख्याल में वेल आई थिंक मैं सेकंड करूंगा सुहेल ने, वसीम की बात मैं नहीं सुन पाया। सुहेल जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक है कि हर एक की अपनी अपनी फिटनेस लेवल है। अगर एक बंदा आपको देखे सवेरा जो हमारे जो ट्रेनर्स है हमारे टाइम पे वो चाह रहे थे कि जो एक को जो बैट्समैन है बॉलर की भी वही फिटनेस होनी चाहिए, फील्डर और कीपर की भी वही फिटनेस होनी चाहिए। ऐसा होता नहीं, हर एक की बॉडी अपनी है। अगर आप ग्राउंड के अंदर जो इस तरह सुहेल ने कहा, अगर आपको 100% फील्डिंग के अंदर बॉलिंग बैटिंग सब कुछ करके दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप फिट हैं, और उसके बाद आप ग्रेजुअली आप अगर किसी चीज की कमी है देन वो आप बेहतर से बेहतर कर सकते हो इसको। देखिए अगर हम यहाँ पे आजम खान की बात करें तो आजम खान का तो मैं छक्कों का उसकी शॉटों का बहुत बड़ा फैन हूँ, उसको हमेशा मैंने उसकी बैटिंग स्किल्स पे उसको मैंने हमेशा सपोर्ट किया। लेकिन मैंने आपको साथ में ये भी कहता था कि जब आजम खान परफॉर्म नहीं करेगा सारा कुछ इसकी फिटनेस के ऊपर आएगा, क्योंकि कीपिंग करना कोई आसान काम नहीं है। बार बार ऊपर नीचे बैठे रहना ये बहुत मुश्किल काम है। तो फिटनेस नो डाउट फिटनेस के बगैर ना फील्डिंग कर सकते हैं ना बैटिंग कर सकते हैं। अगर पीछे वाला बॉल आजम को होता है उसके लिए आप इतने फिट होने चाहिए कि उस बॉल को आपने जल्दी पिक करके अपनी बॉडी को इतनी रोटेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके एब्स इतने तगड़े होने चाहिए कि आपकी मूवमेंट स्ट्रांग हो तो उसको आप मिड विकेट या स्क्वायर लेग की तरफ मार सको। ये नहीं है कि आप फिट नहीं है तो आप बैट भी नहीं सकते, बॉल छोड़ भी नहीं पा रहे या बॉल को प्रॉपर खेल भी नहीं पा रहे, तो ये सारा कुछ फिटनेस के अंदर आता है। फिट नहीं तो आप बॉलिंग भी नहीं कर सकते पूरी तरीके से, अगर आप फिट नहीं है तो आप फील्डिंग में ही एक्सपोज हो जाएंगे। तो फिटनेस मेन चीज है आपकी, आपकी मेन आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग करती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। तो फिटनेस को मैं सुहेल जो बात कर रहा मैं इसको फिटनेस को थोड़ा सा ऊपर रखूंगा। अगर आप फिट है तो आप बिल्कुल आप हर चीज के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बट लाला फिटनेस पे कोई एक्सक्यूज नहीं है। आर्ग्यूमेंट मगर वहीं आती है, आप चीफ सेलेक्टर भी रहे, आपके पास ऑप्शन हो एक टैलेंटेड प्लेयर विथ फुल ऑफ स्किल्स बट नॉट फिट, और दूसरा विच इज अ प्लेयर हु इज हाईली फिट बट नॉट एज टैलेंटेड एज द प्रायर प्लेयर। मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली, फिटनेस विराट कोहली रोहित शर्मा की बराबर नहीं है मगर दोनों इंपैक्टफुल प्लेयर्स हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी टीम के लिए, आप किसको चुनेंगे? मैं जहरी बात है सवेरा देखें जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि फिटनेस के बगैर कुछ नहीं है, फिटनेस इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास स्किल्स है आप टैलेंटेड है अच्छे उसके ऊपर फिटनेस होगी तो आप तो टॉप प्लेयर हो गए ना। विराट कोहली अगर है उसकी फिटनेस चेक करें, उसकी स्प्रिंट चेक करें, उसको कहीं पे भी खड़ा कर दे स्लिप में पॉइंट में थर्ड में वो आपको उसी तरह नजर आएगा, दो रन की बजाय एक रन देगा। अब रोहित को अगर आप स्लिप से बाहर आपको कितनी दफा नजर आया होगा रोहित, वो तो स्लिप में जहां सर्कल होता है वहीं खड़ा होता है। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ही अच्छा कोई रनआउट आपकी तरफ उसकी तरफ से नजर आएगा। फिटनेस बहुत मैटर करती है सवेरा आपके फील्डिंग में, आप फील्डिंग आपको 60-70-75% मैचेस फील्डिंग जितवाती है। अगर आप फील्डिंग के अंदर फिट नहीं है एक्सपोज हो जाएंगे, नजर आना शुरू हो जाएगा टीम को कि यार अगर इसकी तरफ बॉल गई तो दो रन हो जाएंगे या तीन रन हो जाएंगे। ठीक है वसीम साहब, ये जो फिटनेस की बात हो रही है चूंकि आजम के गिर्द सारी फिटनेस घूम रही है इन दिनों पाकिस्तान की, आपने शुरू में उसका जिक्र भी किया, तो क्या ये भी किसी एक गुफ्तगू का माहदे का हिस्सा था कि ये जब खेलेंगे तो ये कीपिंग ही करेंगे, फिर इस सूरत हाल में आपने अपने एक सेट विकेट कीपर बैटर को हटाएंगे उस जगह से सिर्फ कि आपने एक मिडल ऑर्डर बल्लेबाज को जो आपकी कमी नज़र आ रही है उसको फिक्स करना है बीच में? देखिए जब फर्स्ट टाइम ये सिलेक्ट हुए थे तो एज अ कीपर नहीं हुए थे, एज अ बैट्समैन जब पिक हुए थे इन्होंने फील्ड के अंदर, लेकिन उस टाइम पे
क्योंकि कीपिंग देखें स्पेशलिस्ट जॉब है, ठीक है, अगर आप स्टैट्स देखते हैं जी के 8 से 10 बॉलें पूरे मैच के अंदर आती हैं टी ट्वेंटी मैच के अंदर नॉर्मली, लेकिन अगर उसके अंदर 2 कैचेस आ जाते हैं तो वो पूरे मैच का जो पांसा है ना वो चेंज हो जाता है। दूसरा जो भी फिटनेस की बात शायद भी कर रहे हैं कि जस्ट इमेजिन कि एक हाईली टैलेंटेड आपका बैट्समैन है और वो आपको पता है कि ये मैच विनर है आपका, पहले फील्डिंग आ जाती है, उसने 2 कैच छोड़ दिए, हाँ। जब उसकी टांगों में से 2 चौके चले गए तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो बैटिंग का है ना वो इम्पैक्ट ऐसा आएगा कि उसकी बैटिंग भी रह जाएगी उसकी वजह से। ठीक है, इसलिए आपको ना ऑलराउंड आपकी स्किल जो इतनी होनी चाहिए कि यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, फील्डिंग में आपको छुपाना ना पड़े। एक दौर ऐसा था कि जब इंग्लैंड टूर था, आई थिंक मिसबा वाज द हेड कोच, 3 लड़के हमने उसमें पिक किए थे, अगेन वही सिचुएशन थी कि हमें प्लेयर्स उस तरह की नहीं मिल रहे हैं तो हम इनको चांस देते हैं इस बेस के ऊपर कि ये प्रोग्रेशन शो करेंगे, लेकिन वहाँ पे फिर था वो स्वेब मकसूद थे उस टाइम पे, वो भी फील्डिंग के इतने ज़्यादा आपको पता है वो नहीं थे उस टाइम पे, और साथ आज़म भी थे, फिर हारिस सुहेल भी थे, फिर इमाद वसीम भी थे, तो वो वहाँ पे मिसबा अपना सर गुजार रहा था कि मैं इनको कहाँ कहाँ छुपाऊँ, तो उसके बाद पे यही डिसाइड हमने किया था कि भाई नहीं फिटनेस, अब ये नहीं कि हमें सुपर एथलीट चाहिए, विराट कोहली भी एक ही है इंडिया के पास, बाकी कोई फिटनेस पे उसके नज़दीक नहीं आता, लेकिन वो इतना नीचे भी कोई नहीं है कि उसको हम आज़म के साथ मिला सकें या किसी और के साथ मिला सकें, तो एक बैलेंस होना मिनिमम आपके लेवल जो हैं। अब देखिए हमारे जो फिटनेस ट्रेनर हैं उन्होंने बैटरीज वगैरह चेंज की हुई हैं, जो जो टेस्ट है वो चीज़ें उसके अंदर नहीं है, लेकिन आपको जो बेसिक एक मार्क्स है ना वो तो आपको हासिल करने चाहिए। एथलेटिक्स का हमें नहीं कंपटीशन कराना, लेकिन एंड ऑफ द डे स्किल मैटर करती है, आपकी फिटनेस ऐसी होनी चाहिए कि आपकी स्किल उसकी वजह से डिस्टर्ब ना हो, स्किल डिस्टर्ब ना हो, मैच फिट हो आप प्रॉपरली। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इट इज वेस्ट इंडीज वर्सेस PNG अगला जो मुकाबला होना है T20 वर्ल्ड कप 2024 का, उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान में फ़िटनेस कल्चर के हवाले से और बिलखसूस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की फ़िटनेस को लेकर पसंदीदगी के हवाले से, उनकी तरजीहात के हवाले से और उसके साथ साथ उनके जो काम करने के तरीक़ाकार हैं। बिलखसूस जब आप फ़िटनेस की बात करते हैं तो ये किस हद तक कारकर्दगी को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने में रुकावट पैदा कर रही है, उन तमाम हवालों से गुफ्तगू हो रही है। और अब पाकिस्तान में एक तो फ़िटनेस की बात हो रही है सवेरा, उसके साथ साथ ये भी जैसे भी वसीम साहब ने बताया ये उससे भी ज़्यादा एक ख़तरनाक और तशवीशनाक चीज़ है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं फ़िटनेस को, इसलिए कि आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है प्लेयर्स की, कि आप एक ऐसे प्लेयर को लेकर आ जाएं जिस पर आपको फ़िटनेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े कि हमारे पास उसका कोई मुतबादल मौजूद नहीं है, तो ये तो सुहेल साहब उससे ज़्यादा तकलीफ दे या तशवीशनाक है कि आप टैलेंट मतलब रिसोर्स की कमी आ गई आपके पास। ऑब्वियसली आपके टैलेंट बनाने के बजाय हम आज़म की जो बात हो रही है तो आपको आज़म की तरफ क्यों जाना पड़ा? रीज़न इज़ कि आपके पास कोई छक्के उस तरह छक्के मारने वाला बैट्समैन जिसकी फिटनेस पे आपको आप सुपर फिट ना कहें लेकिन कोई एक एवरेज या एवरेज फिटनेस वाला भी प्लेयर आपको कोई नहीं मिल रहा था। वी ट्राइड आसिफ अली, वी ट्राइड खुशदिल शाह जो कि छक्के मारने वाले रोल में, इवन दानिश अजीज़ फॉर सम इंस्टेंट वी ट्राइड हिम, बट नहीं कोई मिला आपको तो फिर जाके आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। ओके चलें एटलीस्ट आज़म है, दोनों चीज़ें ऑफर तो नहीं कर रहा, एटलीस्ट जो स्किल्स आपको चाहिए कि छक्के मारने वाला प्लेयर तो एटलीस्ट वो तो वो ऑफर आपको कर रहा है, तो किसी ना किसी केस में आइडियली तो नहीं होना चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, एक नहीं दो नहीं चार, दुनिया भर में भरे हुए प्लेयर हर टीम के पास, फर्स्ट क्लास में उनके पास जाएं उनकी डोमेस्टिक टीम के पास, हर किसी के पास 1 से 2 प्लेयर ऐसे होते हैं जो इम्पैक्टफुल या एक्स फैक्टर प्लेयर जिनको आप कहते हैं आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में T20 में, तो हमारे पास दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड यू राइट, ये एक वरिंग साइन है हमारे लिए कि वेयर वी स्टैंडिंग राइट नाउ एज ए क्रिकेटिंग नेशन, जिस टीम ने जिस मुल्क ने बहुत सारे ग्रेड्स पैदा किए हुए हैं वर्ल्ड क्रिकेट के लिए और अचीवमेंट्स हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में, तो उसके लिए ऑब्वियसली इट्स अ वरिंग साइन। बट आज़म को लेके जो आप वो आगे हम बात करें तो उसका वजह यही है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, देन यू हैड टू गो विद आज़म कि एटलीस्ट चलें अगर दोनों चीज़ें ऑफर नहीं कर रहा तो एक चीज इस पे हम डिपेंड कर सकते हैं, हालांकि उसने अभी तक परफॉर्म नहीं केस नहीं किया अपना टैलेंट वो भी नहीं किया जिसलिए वो सिलेक्ट हुए, हाँ, बट मुझे लगता है कि जो अब जिन कंडीशन में हम खेलने जा रहे हैं स्पिनर्स पे वो बहुत तगड़ी हिटें मार सकता है और वहाँ पे स्पिन फ्रेंडली कंडीशन है, तो मुझे लगता है कि शायद वो अपना रियल टैलेंट जो उसने CPL में शो किया है वो अभी शो करे,
बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इट्स अ वरिंग साइन फॉर श्योर। बट हम ये क्यों भूल जाते हैं कि सुपर एट से पहले यूएस में भी मैचेस होने हैं ना, फिर तो फिर जब सुपर एट में जाएंगे तो वेस्ट इंडीज इन एक्शन आएगा, सो यूएस में भी तो खेलना है। सो क्या हम यूएस में कंडीशंस के हिसाब से बिठा देंगे आजम को बाहर, और आजम को हम सेव रखेंगे वेस्ट इंडीज के लिए सिर्फ? देखें, अभी मुझे ऑटोमेटिक चॉइस तो आजम नहीं लग रहा प्लेइंग 11, फर्स्ट प्लेइंग 11, फर्स्ट 11 नहीं लग रहा, वो बेहतर चॉइस हो सकते हैं, बट लेट्स सी कि पूरा प्लान क्या किया हुआ है। फिर बात वही ना, क्लैरिटी अभी किसी चीज़ की नहीं है। अब थोड़ा सा जो नेक्स्ट चैलेंज होगा सारे बैट्समैनों के लिए, आजम के लिए भी यही होगा कि मैचअप्स पे जाएंगी टीम में। नहीं तो उस्मान एज बैटर या उस्मान एज बैटर एंड कीपर? देखिए मेरे ख्याल में रिजवान के होते हुए हमें किसी और से कीपिंग नहीं करवानी चाहिए, कि नॉट नेसेसरली रिजवान, ठीक है वो अच्छा है, मतलब वो हर चीज़ वो कर लेता है, बट दैट डजंट मीन के ही इज़ हैप्पी अबाउट दैट। ओके, ठीक है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो उसकी भी कीपिंग ही है ना, तो आप एक सेटल चीज़ को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एक तो वो नहीं करना चाहिए हमें। तो आई थिंक जो चैलेंज यही आएगा कि हम आजम का सिक्स हिटिंग एबिलिटी, जो अगेंस्ट स्पिन की बात कर रहे हैं, तो दूसरी टीमें भी यही सोचनी होंगी इसको स्पिनर कब देना है, क्यों देना है। बिल्कुल ना, मोस्टली वो पेस अटैक के सामने लेके आएंगे, वो मैचअप्स के ऊपर जाएंगे, तो एक नेक्स्ट चैलेंज है आजम के लिए कि थोड़ा उसको इम्प्रूव करना होगा शॉर्ट बॉलिंग। अब सारी टीमें टारगेट करेंगी, साइम यू एक ही जगह से आउट हो रहा है, सारी टीमें उसको उधर ही टारगेट करेंगी, क्योंकि वहाँ पे आयरलैंड में भी देखा हमने उनको टारगेट किया गया, न्यूजीलैंड के गेंस भी एक ही जगह पे एक ही शॉट खेलते हैं वो आउट हो रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें आपको मैनेज करना होंगी। बाकी देखें, अगर अभी जो डिबेट पहले चल रही थी कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी फिर स्टैंडर्ड्स फिटनेस के सेट होने चाहिए, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कि अब आप फिटनेस की एक जो चल रही है ना कि एक स्टैंडर्ड या एक मेयार अगर वो हो जाए सेट उधर भी डोमेस्टिक में, तो फिर शायद आपका ये गैप बंद होना शुरू हो जाएगा कि वहाँ पर लड़के फिटनेस पे, लाइक आजम अगर डोमेस्टिक 4 साल खेल गया है तो वो फिट हो के जाता जी, ठीक है ना, कि डोमेस्टिक में ही उसको फिटनेस करनी पड़नी थी, तो एक तो नीचे इस चीज़ के ऊपर हमें फोकस करना होगा जी के, और दूसरा प्रोडक्ट्स हमारी कहाँ से सबसे ज़्यादा आती थी, ठीक है, सबसे जो वरिंग साइन है कि कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट हमारी आती थी, अंडर 19 से आती थी, पाकिस्तान अंडर 19 से आती थी, और अभी आप देख लें पिछले कई सालों से देख लें कि हमें उस तरह की प्रोडक्ट्स पाकिस्तान अंडर 19 से नहीं मिल रही है, क्या कुछ सिलेक्शन हम जाया भी कर रहे हैं जो मिल रही है? अगर हमें रोहेल नज़ीर मिला था तो हमने उसके ऊपर लाके मोहम्मद हारिस को बिठा दिया, उसके बाद हमने मोहम्मद हारिस को डिस्कार्ड कर दिया, सो हम तो जाया भी कर रहे हैं प्लेयर्स को। रोहेल नज़ीर की क्या आपके क्या प्रोडक्ट थी आप बताएं मुझे, वादे तो बड़े किए, हम 4 स्पिनर दे देंगे, हम 3 स्पिनर दे देंगे, हम ओपनिंग बैट्समैन आपको दे देंगे, मिला कुछ और उनको वहीं जाके नहीं खिलाया, मतलब वो अपनी टीम में ही नहीं खिलाया जो उन्होंने पाकिस्तान टीम को प्लेस देने थे। तो ये जो एरिया निगलेक्टेड है जो जूनियर क्रिकेट वाला हमारा है, ठीक है, अभी सुहेल इसमें रहे हैं, इनको भी काफ़ी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे देखी ही होंगी कि वहाँ पे सिलेक्शन बेहतर होने की ज़रूरत है, और वहाँ पे जो कोचेज लगते हैं कि उनका कोई विजन होना चाहिए कि जो मॉडर्न क्रिकेट या पाकिस्तान टीम की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लड़के हमने तैयार करने हैं, कि अपने ही नहीं कि सबको, मतलब ना मैं पहले की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं मैं कर रहा कि देख रहे ना, क्लियर कर रहे हैं आप साथ। मगर अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान के टॉपिक को हम फिर से थोड़ा सा जरा डब्बे में बंद करते हैं, और आज जो है मुकाबला होना है, कोशिश करते हैं मुकाबला आज होना है वेस्ट इंडीज और पीएनजी का। सो लाला, वेस्ट इंडीज एंड पीएनजी गयाना में एक दूसरे के आमने सामने होंगे, वेस्ट इंडीज का शाहकार हमें इस वर्ल्ड कप में दिखेगा, बिकॉज दिस इज द सेकंड मैच, एक वार्म अप जरूर खेला ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया को हराया, बट ऑस्ट्रेलिया टुक इट वेरी लाइटली, वो ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा उसको सीरियस नहीं लिया था उस वार्म अप को, सो क्या एक्सपेक्ट करें हम वेस्ट इंडीज से? देखिए, अपनी कंडीशन में स्ट्रॉन्ग टीम है सवेरा, अच्छी तगड़ी प्लेयर है, अगर आप वनडे टेस्ट की कहेंगे तो मैं वेस्ट इंडीज की टीम को जो है ना इतनी T20 के अंदर इतनी उनके क्रिकेटर्स लीग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं कि उन्हें इस गेम की अवेयरनेस बहुत अच्छी है, और वो इस काबिल है कि वो किसी भी टीम को हरा सकते हैं, और कंडीशन जब अपनी कंडीशन में खेल रहे हो तो उन्हें उनसे बेहतर कोई नहीं जानता।
अपनी कंडीशंस में खेल रहे हो, बेहतर कोई नहीं जानता, ये होम ग्राउंड का क्राउड का कितना फ़ायदा वो ले सकते हैं? दो मरतबा गुज़िश्ता 8-10 बरस में वो वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं, आप समझते हैं कि वाकई जो पावर हिटिंग की चीज़ें हैं वो भी इस वर्ल्ड कप से कुछ नए अंदाज में लोगों को मिल सकती हैं? जैसे आज अमरीका और कैनेडा का भी मैच हुआ है, अमरीका के एक बैट्समैन ने 200 के स्ट्राइक रेट से रन कर दिए हैं। इमरान, पहले तो ये कि इंडिया वेस्ट इंडीज की ऑनेस्टली वो टीम जो डेरेन स्मी वगैरह के टाइम में थी, वो प्लेयर्स वगैरह भी ऐसे नहीं नजर आ रहे, क्योंकि डेरेन स्मी बड़े उनकी हमारे मुल्क में तो है पॉलिटिक्स हर जगह भी है, लेकिन वहां पे वेस्ट इंडीज के अंदर भी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स की वजह से उनका टीम का जो बेड़ा गर्क हुआ वो इसी वजह से ही हुआ है। डिफरेंट आइलैंड वगैरह है, सुहेल तमीर बहुत क्रिकेट खेला है, वहाँ लीग क्रिकेट वगैरह मैं खेला हूँ वहाँ पे, तो मुझे उनकी उसका पता है कि वहाँ पे इश्यूज हैं क्या, और बड़े इश्यूज हैं। जब आप प्लेयर्स ही आपस में एक होते नहीं है तो जारी बात है इश्यूज आ जाती हैं, और टीम जो है वो स्ट्रगल करती है, परफॉर्मेंसेस अच्छी होती नहीं है, लेकिन डेरेन स्मी ने बड़े जबरदस्त तरीके से इन सारी चीजों को लेके चला है, सारे प्लेयर्स के साथ अकेले कम्युनिकेशन करके उनको मोटिवेट करके एंड देन उनको लेके आए, और डेरेन स्मी को सब पसंद भी करते हैं वहां पे। तो वो एक अगर इस तरह का कप्तान हो, इस तरह की मैनेजमेंट हो जो सबको यूनाइटेड कर सके, तो मेरे ख्याल में वो जीत सकती है, अपनी कंडीशन के अंदर है और अब बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होगी किसी के लिए भी। वो तो अलग अलग प्लेयर्स अच्छे हैं, प्लेयर्स उनके अच्छे हैं, प्लेयर्स सारे प्लेयर्स अच्छे हैं उनके, सिर्फ एक करने की देर जरूरत है, एज ए टीम खिलाना, एज ए यूनिट खिलाना है उनको। वो तो मतलब अलग अलग आइलैंड हैं यहाँ पे, तो यहाँ एक ही मुल्क में डिफरेंसेस इतने हो जाते हैं। बट सुहेल, 2022 में वो सुपर 12 में भी क्वालिफाई नहीं कर सके थे। सुपर 12 में भी जो आपको नमीबिया दिखी थी या दूसरी टीम्स दिखी थी जो एसोसिएट टीम्स थी, एंड वेस्ट इंडीज़ कुड नॉट क्वालिफाई फॉर दैट। वो तो अब जो है थोड़ी सी वेस्ट इंडीज़ फिर से पकड़ रही है जान वापस। सो बहुत सारे मैच विनर्स, हम जिस तरह इंडिविजुअल परफॉर्मर्स की बात कर रहे थे, हमारे भी टॉप बैटर्स हैं तीन, हमारे भी टॉप बॉलर्स हैं टॉप 10 में, बट टीम 7वें नंबर पे, वेस्ट इंडीज़ की टीम है 4th नंबर पे, बट इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हैं। आप कह सकते हैं कि वो गुड इंडिविजुअल प्लेयर्स बट नॉट अ टीम। लेटली अभी डेरेन स्मी, जैसे शाहिद भाई ने कहा ना कि वो अपने प्लेइंग डेज में जिस तरीके से ट्राइड के यूनिटी पैदा करे, एक क्योंकि वो 7-8 आइलैंड हैं, उनकी मिलके टीम बनती है, और जो लीडर होता है ना, कप्तान होता है, वो कोशिश करता है कि अपने आइलैंड, जैसे ट्रिनिडाड का अगर कप्तान है ना, तो वो कोशिश करता है कि ट्रिनिडाड के 5-6 प्लेयर्स ताकि अपनी उसको स्ट्रॉन्ग कर सके, जो अपनी कैप्टेंसी है। अगर वो बार्बाडोस और ट्रिनिडाड दो जगह ऐसी हैं जिनकी आपस में राइवलरी रहती है विद इन द आइलैंड, बहुत ज़्यादा आपको ओलंपिक्स में भी दिखती है। हाँ, तो क्रिकेट में भी ना, वहाँ पे जब वहाँ का जब ये थे उनके जेसन होल्डर कप्तान थे, जब ही इज़ फ्रॉम बार्बाडोस, तो वो कोशिश कर रहे थे कि बार्बाडोस वाला अपर हैंड रहे। तो ये उनमें लैक इस चीज़ में करते हैं। अभी अगर आप उनकी टीम उठा के देखेंगे ना, तो ऐसा पावर हाउस व्हेन इट कम टू T20, ऐसा पावर हाउस पावर पैक बैटिंग नजर आती है कि हर मैच विनर आपको उसमें, हर बंदा मैच विनर नजर आएगा कि सिंगल हैंडेड मैच जितवाने की एलियत रखते हैं। अब डेरेन स्मी कोच हैं, उनके कोचिंग पैनल में मौजूद हैं, तो आई थिंक इट विल हेल्प, क्योंकि वो पॉजिटिव माइंडसेट का बंदा है, वो टीम मैन है, टीम को साथ लेके चलता है, यूनिटी को लाइक करता है। तो आई थिंक कि अभी इसीलिए आपने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट देखा, तो आप जब टीम सेलिब्रेट करती है ना, तो आपको पता चल जाता है कि वो जेल हैं या नहीं है, इस तरीके की चीज़ें शो करती हैं कि वो एक साथ हैं कि नहीं। तो आई थिंक कि अभी उन्होंने ये, जब आपने जिस चीज़ का जिक्र किया ना कि दे कुडंट क्वालिफाई, तो वो उनको उसने बड़ा हर्ट किया था, मेरी प्लेयर से बातचीत होती रहती है, तो दे फेल्ट वेरी हर्ट, यू नो, और होना भी चाहिए, तकलीफ हुई है, इतना बड़ा नाम है क्रिकेट में वेस्ट इंडीज का, दो दफा के चैंपियन है T20 में, इट्स क्वालिफाई ना करना उनके लिए बड़ा एक हर्टिंग साइन था। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि इस टूर्नामेंट में वो बड़े एक थ्रेटनिंग साइन होंगे, थ्रेटनिंग टीम होगी सब टीम्स के लिए। लेट्स सी अब कैसे वो परफॉर्म करते हैं, कैसे डिलीवर करते हैं। वसीम, निकोलस पूरन इज इन गोल्डन फॉर्म राइट नाउ, आईपीएल से खेलते खेलते वो आ रहे हैं, और जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी वार्म अप मैच में खेला, ही इज टोटली अनटचेबल राइट नाउ। हाँ, देखिए ओवरऑल अब प्लेयर्स, इनके सारे प्लेयर्स देखते हैं, तो को मैच नहीं बनता किसी और टीम के साथ इनका, जितनी पावर इनके पास है, इवन के इनके अगर हम देखते हैं बॉलिंग के अंदर भी क्वालिटी मौजूद है। बात वही है जो बात की है, सुहेल भी कर रहे हैं
कि ये जब टीम बन के खेलेंगे, जिनके जो डिफरेंट किस्म के इनके प्रॉब्लम्स हैं अगर वो सॉल्व हो जाते हैं, इनके इश्यूज़ ये सॉल्व करते हैं, और डैरन सैमी कर चुके हैं ये पहले, अगर वो दोबारा करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जो थ्रेटनिंग टीम नज़र आएगी वो आपको वेस्ट इंडीज़ की नज़र आएगी। मतलब आप पेपर पर पढ़ते हैं कि जो प्लेयर्स आपने, मतलब हर प्लेयर इनका एक चैम्पियन प्लेयर आपको नज़र आता है लीग की हद तक, येट टू प्रूव इन इंटरनेशनल क्रिकेट। और ये इनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, रामन पावल हो गए, उसके बाद जॉनसन चार्ल्स हैं, हेटमेयर हैं, जेसन होल्डर हैं, अच्छा जी बैटिंग में और आए ब्रेंडन किंग आ जाते हैं, निकोलस पूरन, आंड्रे रसल, रदरफोर्ड, मतलब यू नेम, इनमें मतलब एक को आउट करें तो अगला खड़ा हुआ है पहाड़। मतलब लीग के अंदर ये सब आपके ना प्लाटिनियम और उस लीग के प्लेयर हैं सारे, ठीक है। इनको जब इकट्ठा होकर ये खेलेंगे तो इनसे बेहतर टीम मुझे तो टू बी ऑनेस्ट नजर नहीं आती। बॉलिंग में ये पकड़े जाए तो पकड़े जाए, बैटिंग में एक कोई बंदा भी इनमें से खड़ा होगा वो मैच जिता सकता है। बात फिर वही है कि टीम का एनवायरनमेंट क्या होगा इनका, क्या ये मिलके खेलेंगे एक चैंपियन टीम की तरह खेलेंगे या चैंपियन प्लेयर्स बन के खेलेंगे, तो उसके अंदर इनको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो आई थिंक क्वालिटी इनके पास बहुत ज़्यादा मौजूद है। और जो आपने बात की है कि वर्ल्ड कप पिछला जब ये नहीं थे तो वो फीका फीका वर्ल्ड कप हमें नजर आया कि वेस्ट इंडीज के बगैर वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है ना। और एक बीच में पैच आया था जब इनके पास क्वालिटी प्लेयर्स नहीं थे, ठीक है ना, फिर भी ये यू नो थोड़ी बहुत ही परफॉर्मेंस देते थे, बॉटम पे गेम फिनिश किया इस तरह, लेकिन के पास क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स नहीं थे। लेकिन अभी पिछले एक दो साल में अगर आप देखें जिस तरह फेरी टेल स्टोरीज हैं, 2016 में व्हेन दिस टीम केम इन तो बोर्ड ने मना कर दिया था, किट्स भी लड़कों ने पैसे जमा करके बनवाई थी एंड दे वन द वर्ल्ड कप। तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, कलरफुल टीम है, कलरफुल प्लेयर्स हैं, बट वक्त यहाँ पे हमारा खत्म हो चुका है। अब द होस्ट वर्सेस पीएनजी, अभी वक्त खत्म नहीं हुआ, वक्त अभी बाकी है। सो द होस्ट वर्सेस पीएनजी, व्हिच इज योर टीम टुनाइट? वेल ऑब्वियसली मेरी तो वन ऑफ द फेवरेट जो है वो वेस्ट इंडीज टीम है, बट इनका वीक लिंक स्ट्रेंथ की तो हमने बहुत बात कर ली। वीक लिंक जो मुझे इनका नजर आता है वो इनकी फास्ट बॉलिंग है। फास्ट बॉलर्स इनके पास इतने अच्छे नहीं हैं, स्पिनर्स डिसेंट हैं बहुत, नारायण अगर आ जाते हैं उनको बड़ा इन्होंने ट्राई किया कन्वेंस करने की, बड़ी तरफ से ब्रावो से भी बात की उन्होंने, पूरन ने उससे बात की, एवरीबॉडी ट्राइड बट उसको कन्वेंस नहीं कर सके वापस आने के लिए। अगर नारायण आ जाते तो इनका बॉलिंग डिपार्टमेंट भी बहुत स्ट्रांग हो जाता, बट अदर देन दैट स्पिनर्स डिसेंट हैं, फास्ट बॉलिंग इनकी बहुत मैं कहूँगा कि एवरेज बॉलिंग है। तो अगर ये पकड़े गए तो अपनी बॉलिंग के ऊपर पकड़े जाएंगे, अगर ये पकड़े गएंगे तो अपनी बॉलिंग पर पकड़े जाएंगे। और अब हमारे इससे पहले के पकड़े जाएं तो जाने का वक्त हो चुका है। बिल्कुल जी, सो वक्त अब हो गया है, वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवेरा और इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है, बाय, अल्लाह हाफिज।